क्या व्यवस्था थोपी नहीं जाती, क्या ये आज्ञाएं दे तो भी परमेश्वर ने, लेकिन कहता है कि अगर प्रेम है प्रेम, क्या अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं प्रेम, तो आपकी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी यार, आप घर का कलेश जाता रहेगा। हालेलुया हालेलुया। जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको बुद्धि देता है, उनको वचन सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि उनके दर्द को मैं भगाऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने दाऊद से वादा किया, क्योंकि दाऊद हाथ उठाकर दुखी हो गया और बोलता है परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चे को टाइम दूंगा, टाइम दूंगा अपनी फैमिली को, कहता मेरी फैमिली को टाइम दूंगा, कहता मेरी गलतियां हैं, कहता मुझे माफ कर, अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। उसने सुलेमान को समझाना शुरू किया, लेकिन सुलेमान भी गलती निकला, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया, बोलता है कि ये तेरी गलतियां थी, अरे पौधे को बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से जब वो पेड़ बन जाता है उसके माँ जाके खाद और पानी देने की जरूरत नहीं है, वो कोई फल नहीं देने वाला, देखते रहो देखते रहो, देता है पेड़ के पास आप खाद पानी देते रहो दोबारा नहीं देने वाला, लेकिन अगर पौधे को शुरू से आप तैयार करोगे वो एक अच्छा पेड़ बनेगा, अच्छा पेड़। बहुत भाई बोलती है कि एक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाएगा, अपने स्वभाव के द्वारा जाना जाएगा, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा जाना जाएगा, कि तुम परमेश्वर का पेड़ हो, परमेश्वर का यीशु का पेड़ हो तुम। हालेलुया हालेलुया। यीशु के बच्चे हो, आज कहता है वो ज्ञान का अगर आपके पास नहीं है, आपका बिजनेस अधूरा है, आपका परिवार अधूरा है, आपके बच्चे अधूरे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर का ज्ञान लें तो कोई प्रार्थना होता है, कहता है कि आज सब कुछ पूरा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। हीलिंग मेरे लिए कुछ नहीं है, भविष्यवाणियां मेरे लिए कुछ नहीं है, कहता एक सेकंड में लगाऊंगा, कहता लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप हाथ उठाकर प्रेम की बातें मानते हैं परमेश्वर के साथ, तो वो कह रहे मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर दिखाई देगा, तेरे बच्चों को कहता कि मैं आशीषित करूंगा। हालेलुया। मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू कहता कि आज से मेरी आज्ञाओं को मानेगा, बोलता था हां पापा मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन जब आज्ञा पालन करने की बारी आई तो परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से बातें कर, जाकर चट्टान से, और वो चट्टान से बातें करने लगा, लेकिन चट्टान से बातें करने की बजाय हारून और मूसा ने क्या किया, क्योंकि इजराइली उसके ऊपर भड़क चुके थे और क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम तो मिस्र की गुलामी में थे, कहते अरे जंगल में लेकर आ गया, कहता यहां पे खाने नहीं मिला पीने को नहीं मिला, और वो कोसने लगे, कहते बाहर निकल मूसा तुझे मारेंगे, और मूसा लंबा लेट हो गया और लेट कर दुआ करने लगा, कहता परमेश्वर तेरे लोग मुझे मारने पड़े हैं, और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, कहता तू बोलेगा और हो जाएगा, जा मेरी बात को मानना, लेकिन मूसा जैसे ही गया और बड़ा गुस्से में था डंडा उठाया और लोगों को बोलता गया हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा, फिर भी निकाल रहा था, उसने डंडा मारा पहाड़ी पर और परमेश्वर ने कहा डंडा नहीं मारना, सिर्फ सिर्फ बोलना प्रोफेटिक वर्ड्स, हालेलुया, पानी अपने आप निकल आएगा। यीशु मसीह का नाम। आज मैं आपको गहरी बात बता रहा हूँ, कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं पादरी साहब मेरे से प्यार करके जा, उसको दो बीमारियां और हो जाती हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डंडा मारने की जरूरत नहीं है, हाथ रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पहाड़ी से बोलना है कि पानी छोड़ और वो छोड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, जब वो बोलता है तो मैं करता हूँ, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या ये गलती किया, और उसी समय परमेश्वर ने कहा सुन तेरे को जो प्रॉमिस दिया था मैंने तुझे कनान देश में करता, कहता कि नहीं जाएगा तू, कहता प्रॉमिस से वंचित रह गया वो। आज अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉमिस से आप अधूरे हैं, आज भी कोई ना कोई काम आपका अधूरा पड़ा है, आपके घर का क्लेश नहीं मिट रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके घर के क्लेश को मिटाए, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रोज सुबह उठे और दाऊद की तरह कहता हूँ कहता मैं परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ, और परमेश्वर ने क्या कहा, कहता कि ठीक है अगर तुझे शांति नहीं मिली, कहता कि जब तक वो मरा नहीं तब तक उसके घर के कलेश खत्म नहीं हुए, ये गलती उसकी बहुत बड़ी थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता कि सुन, कहता कि आज से कहता तेरे वंश से हमेशा के लिए कलेश मिटाऊंगा, क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया मुझसे, कहता कि तेरे वंश में कहता मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगा, दाऊद के वंश से बेटा पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु वो पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला, पूरी दुनिया को शांति देने वाला, उसके बाद कोई उसके खानदान में कोई पापी पैदा नहीं हुआ। आपको बता रहा हूं कि दाऊद का सीना चुरा कर दिया परमेश्वर ने, आप बता रहा हूं अगर आपके खानदान में कोई कलेश देने वाला है, अगर आपका पति आपकी पत्नी आपके बच्चे आपको दुख दे रहे हैं कलेश दे रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि वो पूरा पुराना नियम नहीं आज ये नया नियम है, वो 10 साल बाद या 100 साल बाद आपके बच्चों को जो सुधारेगा वो आज की रात ही बदल जाएगा, यीशु के नाम में आमीन। आज की रात ही आपके बिजनेस में शांति आने वाली है, आज की रात ही आपके घर में स्वर्ग दूत आने वाले हैं, जितने फैसले ले रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, जितने फैसले ले रहे हैं यीशु को अपने पिता से स्वीकार करूंगा,
फैसले लेंगे यीशु, तू ही मेरा सब कुछ है। एक्शन करें, एक्शन, आमीन। आत्मा बोल रहा है कि वो लोग अपनी लाइफ में मिराकल को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज ही आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बताया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जैसे ही तू वहां घुसेगा तुम लोगों को बोल देना बहुत सारे लोग अपने घर का क्लेश आज रात ही मिटावा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ही रात यहाँ बैठे बैठे खबर आएगी कि जिस क्लेश में आप थे, अगर किसी के पति ने पत्नी को छोड़ दिया है, क्या वापिस आ रही है, वापिस आ रही, वापिस आ रहे, मेल मिलाप हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, तलाक होने वाला है तो आपका पहला तलाक नहीं हो रहा है, अगर आप खर्चे में किसी भी प्रॉब्लम में है, आज की रात ही दर्शन दिखा रहा था, लेकिन अपने भाइयों को मत बताना। उसने क्या किया, अपने भाइयों को बुलाया। और कई बार लोगों को जब दर्शन आते हैं भविष्यवाणी होती है तो उसी समय क्या करें, छोड़ के बता देते हैं, जाके प्रार्थना करते हैं। यहाँ क्या हो गया, यीशु को सपनाया, एक एक गन्ने का पूरा, उसने पूरा और नीचे गया हुआ था, अपने आप खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद उसके भाई उसे चारों तरफ पूरे की तरफ दंडवत करने लगे, दंडवत। और उसने जाकर बताया कि मैंने ऐसे सपना देखा कि तुम मेरे पूरे को दंडवत कर रहे हो। उसके भाई समझ के कहते रहे वो हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला है, हमारे से ज्यादा अमीर होने वाला तू। और उन्होंने क्या किया, उसके साथ क्लेश किया, क्लेश उसके सगे भाइयों ने उसके साथ क्लेश किया। और क्या हो गया, उसको खड्डे में डाल दिया, मरा हुआ छोड़कर चले गए। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि वो खड्डे में पड़ा हुआ भी परमेश्वर क्या क्या उसे बाहर नहीं जाना था, वो एक बात हो रहा था, वो कह रहा था परमेश्वर हाथ उठा के कह रहा था उस खड्डे में मौत के कुएं में भी वही कह रहा था परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार प्यार करता हूँ प्यार। और परमेश्वर ने वो प्यार का बता दिया, उसके दोस्तों ने उसके भाइयों ने उसको मरा हुआ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको दुश्मनों के देश में मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर मंत्री बना दिया, मंत्री। हालेलुया। आज आप कैसी गुलामी में क्यों ना हो, आज आप कैसी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चाहे बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बड़ा धाम है, बड़ी दात है, आप चाहे कहीं से भी आए, लेकिन अगर आप यीशु से नफरत कर रहे हैं तुम्हारे घर का क्लेश कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज आप यीशु से प्रेम कर रहे हैं कह रहा हूं सुनने वालों तुम्हारे घर का क्लेश आज रात ही जाएगा, यीशु आज रात जाएगा यीशु मसीह के समर्पित नाम में। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, बच्चों को आपको बता रहा हूँ, मेरी 4 साल की बेटी ऐसे भविष्यवाणी करती है, अगर जिसके लिए भविष्यवाणी करते पूरी होती है, आपको बता रहा हूँ कि अगर जिसकी तरफ पूरी नहीं करते उसके भूत भी निकल जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने सीखा इन बातों को। एक भाई है यहाँ पर बैठा है, उसने मुझे 60,000 का टीवी दिया, लेकिन मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि मेरे बेटे ये टीवी में गंदी गंदी फिल्में देखना पाप है, ये कार्टून देखना पाप है, ये डरावनी चीजें देखना पाप है, ये फिल्मी गाने सुनना पाप है, मेरी बेटी कभी भी और आप लोग छुड़ाए जाएंगे, आप लोग तरक्की करेंगे उस दिन में। उन लोगों के लिए सिर पे हाथ रखकर अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर दुआ करूंगा, उस दिन के बाद आप जैसे आएंगे वैसे नहीं रहेंगे, मिराकल होगा आपके साथ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मेरा भवन बनाएं, मेरा घर बनाएं। हालेलुया, जितने लोग इस बात को का फैसला ले रहे हैं कि हमें वो फॉर्म भरना है, सिर्फ वही लोग आएंगे यहाँ पर। हालेलुया, और दूसरा कोई नहीं आएगा, परमेश्वर उन लोगों को आशीष दे रहा है। हालेलुया, आपको एंट्री पर स्लिप दी जाएगी, तब आपकी एंट्री होगी। वो चाहे फेसबुक पे मुझे कहीं से देख रहे हैं, विदेश से चाहे वो कहीं से देख रहे हैं, वो भी आ सकते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। हालेलुया, आप उस दिन भी आकर भर सकते हैं, अगर आप दूर हैं कहीं उस दिन भी आकर भर सकते हैं। सर्वर हालेलुया, आइए सिर पे हाथ रखें। आपको बता रहा हूं कि बीज बोया जाता है, लेकिन जब तक बीज मर नहीं जाता जब तक दाना मर नहीं जाता, मिट्टी के अंदर जितना बीज मिट्टी के अंदर जाएगा उतना फल बाहर आएगा। हालेलुया, आवाज आ रही है, बोलो हालेलुया। अगले संडे ले रही है 10,00,000 रुपए का माइक लेकर आएंगे,
दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए, जिसमें दम हो यीशु के लिए वो खड़े होकर वहां बताकर जाना परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर उसको 10 करोड़ की आशीष देने के लिए जाना। ऐसे नहीं बोलता, परमेश्वर का प्यार है ये प्यार। हालेलुया, हाथ तक उठाओ और आज उस कर्जे से छूट जाओ, अपने बीज को अपने हाथ में रखो। अगर किसी पे कर्जा है वो देखो, वो हलवाई इस गांव में, हलवाई मुझे नहीं जानता, यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसने एक दिन ये फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर चलता हूँ, यहाँ बैठ कर चला गया और मेरे पास गवाही है उसकी। हालेलुया, माइग्रेन चला गया, बवासीर चलने लगी और दुकान खुलने लगी, एक और बिजनेस बढ़ गया उसका। परमेश्वर आज आपको बढ़ा रहा है, आज शिक्षित कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इस गीत में जोर से आज बीज बोए, आपका बीज ऐसा हो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, प्रसन्न ऐसा बीज बोए। आज परमेश्वर आपके ऊपर अपनी प्रसन्नता को उतारेगा, अपनी खुशी को उतारेगा, सुबह ही देखेंगे। आमीन। जल्दी 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 नेक्स्ट। जे तू ना पर्दा साडे बा, जे तू ना पर्दा साडे बा, असा रुण जाना सी, तेरे किते ना मिलनी था, असा रुण जाना सी, असा रुण जाना सी। 1 जून जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए मिलना है, जिसके काम फ्लो पड़े हैं, जो तंगा नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको पीछे काउंटर से एक फॉर्म दिया जाएगा, आप फेसबुक पर देख सकते हैं इस समय वो पोस्टर, कि आप लोग प्रार्थना कराएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज मैं बता रहा हूँ कि आपकी चंगाई का दिन चंगाई का, आपको छुएगा, आपको टच करेगा, और कह रहा हूँ कि जाओ, आप चेक करना और हील करते प्रभु जी भाई ने, कि आपने इनके तरफ उंगली करके प्रोफेसी किया इनके लिए कि आपके प्रोजेक्ट पास होने के लिए जा रहे हैं, और अगले दिन एक इनकी नई शॉप खुल चुकी है। हालेलुया, ये भाई इतना क्यों छोड़ रहा है? मैं इसके लिए भविष्यवाणी करा भी देख लिए, इसके लिए नए नए काम खुल रहे हैं, प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उसी समय छोड़ने लगा, और मैं समझ गया कि इस बंदे का काम पक्का हो गया, पक्का। हालेलुया, हालेलुया, हो जाएगा, अच्छा एंडिकिता हो जाएगा, एंडिकिता हो जाएगा, ऐसा कितना सही बोल। हालेलुया,
मैं पानीपत से हूँ और तीसरी बार में आया हूँ। दूसरी बार हमारे पिता समीर ने उठाया और हमें बोला कि तीन बार आपको मिलेंगे, तो वो मुझे मिल गए। और मेरे को गुप्त जगह पे मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे शुगर भी है और शुगर के होने के बाद में मुझे गुप्त जगह पे प्रॉब्लम थी, तो मैं ऑयल तेल लगाने के बाद में हफ्ते तक मैंने लगाया, उसके बाद में गुप्त जगह पे मुझे पता नहीं लगा नहीं है या नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ओके रिपोर्ट। ऑयल ओके, ऑयल ओके, हालेलुया हालेलुया। क्या जानकारी आई आपकी, गुड प्रॉब्लम थी? जय मसीह की। हां जी, हां जी, मैंने आपका प्रोग्राम पास्टर जी के पापा यूट्यूब पे देखा था। हां हां, और मेरी सबसे बड़ी गवाही यही है कि हम पूरा परिवार एक मरने की कगार पे खड़े थे, जो रोज रात को सोचते थे सुसाइड करने वाले थे। बिल्कुल ये सच्चाई है कि हम सोचते थे कि हम शाम को सल्फास की गोली निकालें और पूरा परिवार खा के सो जाए, लेकिन रोज ये दिल में आता था कि आज मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं पिताजी का पापा जी जरूर ठीक करेंगे, जरूर कुछ करेंगे मेरे लिए, ये नहीं मानते थे बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा मूर्तियां पूजन ये सब चीजें कर लेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैं इनका प्रोग्राम, इनको बच्चा जो ठीक हुआ था, मरा हुआ बच्चा जिंदा हुआ था, वो मैंने इनको प्रोग्राम, मैं रात को छुप छुप के प्रोग्राम देखती थी, ये बोलते थे तू क्या देती है, मैंने उस दिन इनको ये प्रोग्राम दिखाया और देखने के बाद पापा जी इन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि सुबह मैंने चर्च में जाना ही जाना है। और हमें को तीसरा संडे हो गया है, पिछले संडे पास्टर जी ने प्रॉमिस करी थी कि तेरे को तीन प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं, एक अगले दिन ही जाके मिल गया मेरे को और दो हो रहे हैं, वो भी शराब आपके ऊपर से टूट गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ जी, हाँ जी, तू बोल, अब टाइम नहीं है, आप बोलते रहो, इनसे पूछते रहो फटाफट, ये ठीक हो गया, ये फलाना फलाना फलाना, जल्दी कर दे दे। गेड़ा राम कुमार, सतविंदर पूछ इधर से फटाफट। प्रोफेसर जी भाई बता रहे हैं, हाँ हाँ, इनकी लड़की की शादी हुई, वो इटली गए हुए थे तो कुछ प्रॉब्लम के कारण वो वापस आ गए थे, और जब यहाँ पर आए हुए थे उनके सिर्फ 5 दिन बाकी थे, तो परमेश्वर ने फिर से उन्हें विजय की आशीष दी और वो लड़की अब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने पास वापिस आ चुके, जो एक झगड़े के कारण बिल्कुल परिवार के अनबन के कारण बिल्कुल इटली का वीजा नहीं लग रहा था, पहले परिवार में झगड़ा था, अभी आपकी लड़की इटली पहुंच गई, वीजा दे दिया परमेश्वर ने, का वीजा और लग गया उसका 5 साल का और लग गया, ताड़ी बजाएंगे हालेलुया हालेलुया, और सारे बजाओ डीजे, सारे लग जाने ओ डीजे, सारे लग जाने ओ डीजे, सारे लग जाने
इनके ऊपर 25 लाख का लोन का कर्जा था। हाँ हाँ। और जब ये विश्वास से यहाँ पर आते रहे, मीटिंग अटेंड किया। आप दोनों एक साथ आते हो, हमें आपको हर समय देखता हूँ। ये परमेश्वर का मिराकल है, 25 लाख का कर्जा उड़ गया। हालेलुया। क्यों उड़ा है? क्योंकि मैं इसको लगातार देखता हूँ, इनको लगातार। जो लोग रूटीन में परमेश्वर का वचन को पूरा करते हैं, कि लिखा कि हर संडे विश्राम दिन को पवित्र करके मनाना, और ये परमेश्वर का प्लान है। देखो परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हालेलुया। जिस दिन मेरा कर्जा उतरा था उसे नेक्स्ट डे ही मेरे को मेरी सैलरी में प्रमोशन होगी, मेरी 10,000 सैलरी बढ़ गई। हालेलुया। मिराकल मनी की आशीष मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं 25 लाख का कर्जा उतरा और इसकी सैलरी भी परमेश्वर ने बढ़ा दी। हालेलुया। हेलो प्रॉफिट जी, मेरी भी प्रमोशन होगी इन्होंने नाल ही। दोनों मेडिकल लाइन च स्टाफ नर्स की जॉब करते हैं मोहाली। हाँ जी। दोनों कौन हो तुसी? पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। हाँ जी। जब इन्होंने इस बात के लिए ठाना कि हम डायमंड पार्टनर बनेंगे, तो परमेश्वर ने वो 25 लाख का कर्जा भी उतार दिया, इनके प्रमोशन भी हो चुके हैं मसीह के नाम में। सिर्फ डायमंड पार्टनर बना था ये, कितने लिए, कितने बोए इसने, कितने बोए यहाँ पर? 1 लाख बोया और 25 लाख रुपया काट लिया। साल से यही सब रहा था, मित्र से आजाद हो गया।